उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शहर के कोचिंग सेंटरों के मानकों की होगी जांच, CFO। आपको बता दें, बरेली में मुख्य अग्निशमक अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में कोचिंगों की बड़ी संख्या और भीड़भाड़ को देखते हुए इनके मानकों की जांच होगी, ट्रेनिंग सेंटरों की भी जांच होगी। अगले चरण में अस्पतालों को भी लिया जाएगा, इसके भी अग्निशमक मानकों की जांच की जाएगी ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। स्कूलों के बच्चों को भी अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी जाएगी। नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम नहीं है, तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर आने के बाद जो हमने प्राथमिकता पर लिया है, तो कोचिंग सेंटर जनपद में काफी संख्या में संचालित हो रहे हैं, और स्पेशली जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज्यादा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी भी हो रही है और 10th-12th के बच्चे और छोटी क्लासेस के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो है मतलब टीम गठित कर दी है अपने सभी जो हमारे 7 फायर स्टेशन है उनके इंचार्ज की जो उनकी लीडरशिप में हमने टीम गठित कर दी है और उनको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया है कि वो जाएंगे वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे उसका जाके। तो हमने 2 फेज में इसको कर रहे हैं अभी। पहला फेज तो है कि जिस टाइम पे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एडी महोदय जोन साहब ने जो है मीटिंग किया था यहाँ पर कोचिंग सेंटर मालिक के साथ हम लोग, और उनका अध्यक्षता एडी साहब ने किया था, तो उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उनको कि जैसे इलेक्ट्रिक के जो वायर हैं वो प्रॉपर इंसुलेटेड होने चाहिए, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, वहाँ पर जो इसके जो उनके दरवाजे स्टेयरकेस हैं वो अनऑब्स्ट्रक्टेड रहने चाहिए, वहाँ पर सामान वामान से ब्लॉक ना किए जाएँ, और स्मोक या फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। तो पहले फेज में हम लोग जो हमने जो टीम को दिशा निर्देश दिए हैं अपनी, वो हर जो है मतलब कोचिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर के साथ साथ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अदर देन स्कूल कॉलेज जो रेगुलर कॉलेज, वहाँ पर वो एक एक करके जा रही है हमारी टीम जो है। तो पहले तो जो फर्स्ट फेज में जो है ये चेक हो रहे हैं कि जिन्होंने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं उन्होंने जो है, अगर नहीं किए हैं तो उस पर हम उनको नोटिस मतलब जारी करवाएंगे। और इसके अलावा हमने जो सेकंड इसके साथ साथ ही हमने एक फॉर्मेट तैयार कराए हैं, जो डेटा बैंक तैयार कराने हैं, जिसमें हमने 3 कैटेगरी में बांटा है सभी इनको जो है। पहली कैटेगरी जो हमारे कोचिंग सेंटर का हमने उसको बांटा है कि जो कोचिंग सेंटर पूरी तरीके से जो मानकों के अनुरूप बने हुए नहीं, जिसमें ढांचागत व्यवस्थाएं नहीं है कि जैसे ना सेटबैक की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ से जो आपातकाल में पलायन के लिए उपयुक्त मार्ग या मतलब स्टेयर केस की व्यवस्था नहीं है, और ना ही उनको करवा सकते हैं। कैटेगरी 1 में रखा है उनको, कैटेगरी 2 में हमने वो मतलब कोचिंग सेंटर लेंगे जिसमें ढांचागत व्यवस्थाएं ठीक नहीं है बट वो कराई जा सकती हैं, और वहां पर जो है अग्निशमन की व्यवस्थाएं जैसे हॉज रील है, फायर एक्सटिंग्विशर है, डिटेक्शन सिस्टम है, ये ओके है। कैटेगरी 3 में हमने रखा है कि जहां पर हमें ढांचागत व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं पर वहां पर जो है हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम जो हमने ये एक्सटिंग्विशर वगैरह वो नहीं है। तो इन 3 में हम बांटेंगे और इन पे एक्शन हम जो प्लान करेंगे एक्शन के हिसाब से जो कैटेगरी 1 के हैं कि जहां पर हम ढांचागत व्यवस्थाओं में कोई भी सुधार नहीं कर सकते उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है BDA के माध्यम से और जो हमारा प्रशासन के माध्यम से जो है हम लोग इसको बंद करने की कार्रवाई करेंगे इनको जो। नंबर B और C सेकंड और थर्ड वाले जहां पर ढांचागत व्यवस्थाएं हम करा सकते हैं ठीक जो है उनको, तो उनको जो है कुछ टाइम देने के बाद टाइम देंगे और उनको कराएंगे उसको। और तीसरी वाली में खाली क्योंकि ढांचागत व्यवस्थाएं ठीक हैं और तो उनको खाली जो फायर फाइटिंग व्यवस्थाएं वही वो ठीक करेंगे। तो ये करने के बाद जो नेक्स्ट है हम इनको फिर इनका पंजीकरण तब हम इनको फायर जो प्रमाण पत्र है अपना देंगे। ये हमारा प्राथमिक ये रहेगा हमारा जो एक्शन प्लान है कोचिंग सेंटर के लिए। इसमें हमको कम से कम मतलब 1 महीने के आसपास शायद लगे तो काफी संख्या में यहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर। आपके काबू पाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी भी आई है, नई गाड़ी कोई मंगाई गई है? हाँ, नई गाड़ी अभी कुछ समझिए 10-12 दिन पहले जो है हमने जो फोम टेंडर है जिसमें 5000 लीटर पानी आता है और 500 लीटर फोम है, मतलब फोम का मतलब है कि फोम एक मतलब केमिकल है फोम जो है, तो वो पानी के साथ मिलता है और एयर करके वो बबल बना देता है। तो जो लिक्विड फायर है, लिक्विड में जो पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह की जो फायर होती है उसमें हमारा पानी यूजफुल नहीं रहता है, तो उसके लिए फोम बड़ा इफेक्टिव है। और स्पेशली जो हमारे VIP हेलीकॉप्टर्स या हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होती है उसका प्रोटोकॉल ये रहता है कि उसमें फोम टेंडर रहना है, वहाँ पर जो है अवेलेबल रहना है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मतलब फोम टेंडर काबू पा सके ATF पे जो है। तो अभी हमारे पास नहीं था तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर जो है, तो हम जो है दूसरे जिलों से इसे बोरो करते थे कि जैसे लखनऊ से मंगा लिया या कानपुर से मंगा लिया या मेरठ वगैरह से मंगा लिया, बट अभी हमारे पास आ गया है। तो अभी ये है कि हमको मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई है और इससे हमको हमारा जो अग्निशमन जो तंत्र है मतलब इसको भी मतलब सुदृढ़ करने में इस पर बहुत हेल्प मिलेगी इससे कॉन्टेंट।